أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Dear students of 9th class of PHS Mandigaon, I am your teacher Manzoor Ahmed. Today with the same topic we left yesterday, that is thinking about the poem Cart Driver written by Padma Sachdev and translated by Dr. Karan Singh. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज व्हाई इज द बुलबुल अफ्रेड. बुलबुल जो है वो घबराई हुई क्यों है. व्हाई डज द बुलबुल वांट टू हेसन टू इट्स नेस्ट. बुलबुल अपने घोंसले की तरफ क्यों जल्दी से जाना चाह रही है. तो इसका आंसर है क्योंकि बुलबुल जो है वो खौफ ज़्यादा है क्योंकि उसने कुछ आवाज़ें सुनी हैं जंगल में, तो इसलिए वो अपने नेस्ट तक जाना चाहती है जल्दी से क्योंकि वो डर रही है क्योंकि उसके जो बच्चे नेस्ट में हैं घोंसले में हैं वो उनकी सेफ्टी के लिए बहुत जल्दी यहाँ से जाना चाह रही है. नाउ इट्स आंसर इन इंग्लिश. द बुलबुल इज अंडर ए स्पेल ऑफ फेयर बिकॉज इट हियर्स सर्टन फ्राइटफुल साउंड्स इन द फॉरेस्ट. It wants to reach the nest quickly because its little ones are there waiting for its food. The mother bird is over concerned for their safety. बुलबुल इसलिए जल्दी भागना चाहती है वहाँ से क्योंकि उसके जो बच्चे हैं वो खुराक के लिए तरसते हैं और ये जो इनकी माँ बुलबुल है इसे काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है उनकी सेफ्टी का, तो इसलिए ये बहुत जल्दी वहाँ से निकलना चाहती है जंगल से और अपना नेस्ट पहुँचना चाहती है. सवाल नंबर टू, व्हाई डज द बुलबुल हाइड इट्सेल्फ इन द बुशेस. बुलबुल जो है ये झाड़ियों में अपने आप को क्यों छुपाती है. बुलबुल इसलिए अपने आप को झाड़ियों में छुपाती है क्योंकि उसे व्हील्स की आवाज़ सुनाई देती है. उसे सुनाई देता है कि व्हील्स जो है वो सूखे पत्तों पे चल रहे हैं, तो इसलिए ये डर जाती है और अपने आप को झाड़ियों में छुपा देती है. द बुलबुल हाइड्स इटसेल्फ इन द बुशेस बिकॉज इट इज परटर्बड एंड स्केयर्ड बाय द साउंड ऑफ द व्हील्स विच आर रोलिंग ऑन ड्राई लीव्स ऑफ द फॉरेस्ट. क्वेश्चन नंबर थ्री, What does the bulbul imagine? अब बुलबुल जो है ये क्या इमेजिन करती है, ये क्या तसव्वुर करती है, क्या तसव्वुर आप लोग बता सकते हो. बुलबुल जंगल में आग का तसव्वुर करती है. The bulbul imagines the forest on fire. So with this I conclude. खुदा हाफिज़.